अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद हमाद। और फूड प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोडक्ट हम लोगों ने दो प्रोडक्ट चूज़ की हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट है वो केक है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है मायोनीज़। तो मायोनीज़ बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में दूंगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट कुकिंग ऑयल, कॉमन कुकिंग ऑयल जो हम घरों में हम यूज़ करते हैं, और वन एग जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून शुगर और वन टेबल स्पून विनेगर होना चाहिए आपके पास मायोनीज़ को तैयार करने के लिए। ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। मायोनीज़ को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, हमारे पास एक प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेंडर है हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ब्लेंडर में सबसे पहले जो चीज़ ऐड होने वाली है वो है एक अंडा, ठीक है। इसके बाद जो है हाफ टी स्पून जो हमारे पास सॉल्ट है, हाफ टी स्पून जो इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। हाफ टी स्पून हमने शुगर ऐड करना है इसके अंदर, शुगर को ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम वन टेबल स्पून सिरका ऐड कर रहे हैं, ये है हमारा सिरका भी ऐड हो गया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून जो हमने इसके अंदर शुगर ऐड किया है, ये तो दो चीज़ें हैं जो टेस्ट के लिए हैं, जो आपके मायोनीज़ का जो टेस्ट आएगा, ठीक है, ये उनके लिए टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हैं। बाकी जो भी हमने एक जो वन टेबल स्पून जो सिरका इसके अंदर ऐड किया है, सिरका का बेसिकली ये पर्पज़ है कि ये जो सिरका है आपके मायोनीज़ को प्रोटेक्ट करता है मैक्सिमम वन वीक, आप कह सकते हैं कि आपके जो मायोनीज़ को कुछ नहीं हो गया। ये इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कम से कम एक मिनट तक। अब जो है हम इसके अंदर ये जो है हमारे पास ऑयल, अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने का ये तरीका कार है कि आपने इस ऑयल को एकदम से नहीं सारा उंडेल देना है इसके अंदर, ठीक है। आपने इस ऑयल को बिल्कुल स्लोली स्लोली और एक धार जिस तरह बनती है ऑयल की, इस तरह हमने ऊपर से एक धार बनाकर इसके अंदर ऐड करते रहना। और जबकि आपकी जो है ये प्रोसेसर है ये वर्क भी करता रहे प्रॉपर, ठीक है। एक बार फिर मैं बताता चलूँ, जो इसके अंदर हमने टेस्ट के लिए शुगर ऐड की और सॉल्ट ऐड किया, और एज अ प्रिजर्वर जो है हमने इसके अंदर वो सिरके का ऐड किया है, जो कि इसको प्रिजर्व करेगा मैक्सिमम वन वीक के लिए, ठीक है। चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा इस टाइम मायोनीज बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें इसकी थिकनेस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो गया।